वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2019 के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या हमें करनी पड़ेंगी, क्या क्या पड़ाव आएंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं आपको एनटीपीसी के सारे डिटेल्स बनाऊंगा, जिसमें कि मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, उस सीरीज़ में कि और भी वीडियोस क्या होंगी, जैसे कि सिलेबस का वीडियो होगा, फिर आपका होगा कि आपका अप्रोच रहेगा, फिर आपका स्ट्रेटेजिकल वीडियोस रहेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि हम लोग की धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है जो कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिला के रहेगी, ठीक है। तो ये जो भी सीरीज चलेगा हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो ऐसा कोई भी घबराने वाली बात नहीं, हिंदी वाले भी सब्सक्राइब कर लें और इंग्लिश वाले भी कर लें। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्रोसेस वगैरह क्या क्या है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी, वेट अ सेकेंड, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। तो वो स्टेज को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना एक मेंटल फिगर बना सकते हो, मेंटल मैप बना सकते हो कि किस डायरेक्शन में, किस राह में आपको कैसे चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पड़ाव आएगा, फर्स्ट स्टेज आएगा आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी। सीबीटी क्या है? सीबीटी है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके कंप्यूटर पे होंगे, क्या होंगे? कंप्यूटर पे होंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाने जान रहा है, मतलब चलाना नहीं है आपको, वहाँ सेलेक्ट करना है, तो दो तीन दिन जाके वो मॉक टेस्ट दे दें। मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, फ्री मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट रहेगा, पेड मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं सारी सीरीज़ में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो जो अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं चला पाए हैं कभी, तो वो जाके अपना आस पास के नज़दीकी जो भी साइबर कैफ़े हैं वहाँ मॉक टेस्ट दे दें, ठीक है। तो ये पहला स्टेज रहेगा, इसमें आपके जो है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, आपका वीडियो आएगा सिलेबस का, आप डोंट वरी, ठीक है। इसमें आपका तीन पार्ट रहेगा, एक रहेगा आपका जीएस का, आपका रहेगा मैथ्स का, और एक आपका रहेगा रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का, ठीक है। ये तीनों पार्ट मिलके 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का सीबीटी वन होगा और 120 मार्क्स का सीबीटी टू होगा, ठीक है। जिसमें कि इसमें आपका हाथ होता है 30, रुकिए, आपका 30 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है। ये आपका मैथ्स हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, और ये आपका जीएस हो जाएगा, ठीक है। जीएस में आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछ देते हैं, सॉरी जीए बोलते हैं एक्चुअली इसको, जीए हुआ, उसमें जनरल साइंस भी पूछ देते हैं, काफ़ी सारे इसमें अमेलगेमेशन ऑफ काफ़ी सारे का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम सारे कुछ को डिटेल में बताएंगे जब सिलेबस रहेगा, उसमें हम बताएंगे और आपको अप्रोच भी बताएंगे कैसे क्या करना है। अब दूसरा प्रोसेस आता है आपका, आपका सीबीटी टू आता है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आप प्रीलिम्स हो गया एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आएगा। ये आपका 120 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये आपका 120 मार्क्स का होगा, और सेम पेपर रहेगा। उसमें भी तीन टॉपिक रहेंगे आपका, जैसे कि मैंने बताया जीए, ठीक है, आपका फिर रहेगा यहाँ पे मैथ्स रहेगा, और फिर यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, और ये होगा टोटल 120 मार्क्स का, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल सिलेबस करेंगे जब हमारा सीबीटी वन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ओके। और जहाँ तक आपको बात रही कि आपको पढ़ाई करने की, तो हमारे चैनल पर कल से, आज से एनटीपीसी की वीडियोस आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ाई भी कर सकते हैं हम लोग। आपको सबसे बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ओके। अब देख सकते हैं थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज आपका आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और ये होते हैं आपके स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये दोनों के लिए होते हैं। जिनको भी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट बनना है, वो उनको देना पड़ेगा आपका सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी। और दूसरा होता है टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल आपकी किसके लिए इस्तेमाल होती है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क टाइम कम टाइपिस्ट, तो सीनियर क्लम कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। तो ये सारे पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल जानना बहुत ज़रूरी है। और टाइपिंग स्किल के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि समय कम है, और नहीं तो आप कंप्यूटर पर बैठ के अगर आप टाइपिंग करते रहोगे कुछ भी चीज़ों का, तो आपका प्रैक्टिस होते होते टाइपिंग फास्ट हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। तो ये आपका दो जो है स्किल टेस्ट के अंदर ये दो एग्जामिनेशन आपके होंगे, और ये काफ़ी एग्जामिनेशन, मतलब कि ये आपका मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। इसको आप अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसको आपको 100%,
देखिए, अब चौथा स्टेज जो है आपका वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जितने भी हैं इसके लिए तो हम आपको सब कुछ बता ही देते हैं। हम लोग जाते हैं लाइव सेंटर पे, वहाँ पे आपको सारा कुछ बता देते हैं, जितने भी लड़के हैं उनका इंटरव्यू लेके कि क्या क्या मांगा जा रहा है नहीं जा रहा है। और इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी करना होगा हम आपको बाद में बता ही देंगे। तो ये दो जो स्टेज हैं ये क्या कहते हैं, ये भी मतलब आपको क्वालिफाई करने बहुत जरूरी है, लेकिन ये सबका क्वालिफाई लगभग हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप लास्ट टू स्टेप्स बचेंगे, इसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, तो कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस विल डायरेक्टली गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इमिग्रेशन आफ्टर सीबीटी स्टेज सीबीटी, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है जो भी आपको ट्रेन क्लर्क और ये जितने भी पोस्ट दिए हुए हैं इसका जितना भी सिलेक्शन होगा, तो इसका जो सिलेक्शन होगा ये जो थर्ड स्टेट था ये यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ये थर्ड स्टेज उन सारे पोस्टों के लिए नहीं होंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट आप CBT 2 देने के लिए बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, ये वगैरह एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाई नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें दी गई है। और जहाँ तक पोस्ट की बात रही तो हम पोस्ट के बारे में भी आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सैलरी से लेके प्रमोशन से लेके सब कुछ इस चैनल पे वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर और इसमें हम आपको सारा कुछ जो जितना भी प्रोसेस रहेगा उस साथ में हम रहेंगे जब तक आपको ज्वाइनिंग हाथ में नहीं आ जाती है। और ये उमंग स्टडी चैनल का वादा है आपके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लगता है अगर कि किसी के काम आ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन वगैरह होता है और आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमसे, कि अगर आपके कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।